क्या आप बनना चाहते हैं जियो रिटेलर? क्या आप करना चाहते हैं अपना इनकम को दुगुना? तो आइए जियो रिटेलर के साथ काम करें और जियो रिटेलर बने, वो भी घर बैठे ऑनलाइन बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क किए, बिना कहीं पर एक रुपये लगाए हुए, बिल्कुल फ्री में जियो रिटेलर बन के अब अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। तो कैसे कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह घर बैठे ऑनलाइन आप जियो रिटेलर बन सकते हैं, बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बात के, कॉन्टेक्ट किए, बिना किसी को एक रुपये दिए, वो भी बिल्कुल फ्री में, जानेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करेंगे, अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सिखाते हैं आपको किस तरह जियो रिटेलर ऑनलाइन बना जाए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने फोन के में चले आया, फोन में सबसे पहले यहाँ पे प्ले स्टोर आपको ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया, प्ले स्टोर में यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है जियो, प्ले स्टोर में सर्च करेंगे जियो एप हो POS पोस लाइट। तो आपको इस एप्लीकेशन जियो पोस लाइट, ये देख सकते हैं जियो पोस लाइट, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, 12 MB की ये एप्लीकेशन, इसको इंस्टॉल करेंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे और इस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन होगा कुछ इस तरह सेंटर पे दिखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या कॉन्टेक्ट को और मीडिया को और लोकेशन को अलाउ करने के लिए यहाँ पे अलाउ ऑल करेंगे नीचे में, उसके बाद यहाँ अलाउ कर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरह सेंटर पे आपको दिखने को मिलेगी, यहाँ पे साइन इन का और साइन अप का बटन है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के लिए यहाँ पे आपको एक जियो मोबाइल नंबर देना होगा, कोई सा भी जियो का मोबाइल नंबर जो आपके पास अवेलेबल है वो नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे गेट ओटीपी, जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे ओटीपी मांगेगी, यहाँ पे आपको ओटीपी जो भी आपके मोबाइल पर ओटीपी आया उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कर देंगे। ओटीपी फिलअप कर दिए उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी क्लिक करेंगे। जैसे वैलिडेट ओटीपी क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इस तरह का लॉग इन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं जियो पोस लाइट है, ये इनका डैशबोर्ड है, यहाँ से आप सभी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका नंबर वगैरह, लोड मनी और रिचार्ज, एम पिन फॉरगेट वगैरह सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। इस वॉलेट में रुपया ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड मनी पे जाना होगा। तो ऐड मनी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट दिए गए हैं, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप इंटर भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे आप 10,000 का रिचार्ज करना, 1,000 का रिचार्ज करेंगे, 1,000 यहाँ पे इंटर किए, उस पर यहाँ पे कह रहा है 1,000 में आपको कितना रुपये मिलने वाला कमीशन के साथ में। 1,000 अगर हम ऐड करेंगे तो 1,048 रुपये हमको मिलेगा, अगर हम 2,000 ऐड करेंगे तो 2,083 रुपये यहाँ पे हमको मिलेगा, जो एक्स्ट्रा हो रहा है ये कमीशन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अभी 10,000 इंटर करता हूँ, तो 10,000 इंटर करते हैं तो यहाँ पे 10,416 रुपये हमारे वॉलेट में आएंगे। तो उसके बाद जितना भी ऐड करेंगे वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कम से कम 1,000 आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जैसे आप बैलेंस को सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से रुपये आपको देखने को मिलेगा। आप UPI के माध्यम से या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या आप जियो मनी, पेटीएम या फ़ोनपे या मोबीक्विक से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, जिसे भी करना चाहे आप यहाँ पे कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से करना है डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह आएगा, यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवी नंबर, नेम कार्ड देना, इसके बाद आपको पे पे क्लिक करना होगा। जब पे पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको जो कमीशन के साथ आपका बैलेंस है वो आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप पूरा अपना ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, लास्ट 20 देखा, और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक नोटिफिकेशन बटन भी दिया गया, नोटिफिकेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं। और ये रिचार्ज करने के लिए यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे रिचार्ज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप रिचार्ज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पे तो यहाँ पे रिचार्ज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है
तो यहाँ भी बता रहा आपके वॉलेट में रुपया नहीं है। जब भी हमारा वॉलेट में रुपया रहेगा तो यहाँ पे हमको मोबाइल नंबर वगैरह मांगेगा। तो याद रखिए ये जियो पोस लाइट से सिर्फ जियो का ही रिचार्ज कर सकते हैं और इसके लिए ना ही आपको कहीं भी एक रुपये चार्ज देना होगा, बिल्कुल फ्री में आप खुद से अपने मोबाइल से रजिस्टर करके इसको यूज कर सकते हैं। और इस यहाँ पे माई अर्निंग देख सकते हैं, माई कस्टमर देख सकते, सारा चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री में। और यहाँ से अगर लॉग आउट करना चाहिए तो आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। लॉग आउट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे यस करेंगे तब आपका लॉग आउट हो जाएगा। अगर फिर से आप कभी लॉग इन करना चाहते हैं तो यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देंगे और मोबाइल नंबर देंगे। जब आप साइन इन करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वगैरह मांगेगा, यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे मोबाइल नंबर देंगे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन फिर से हो जाएगा।